सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मसीही तहरीक बेदारी के चेयरमैन डॉक्टर आदिल गौरी ने एक मीडिया बयान में कहा है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े की पाकिस्तानी मसीहियों और उनके रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने शदीद मजम्मत की है। ये भी वाज़ह हो चुका है कि तौहीन का मर्तकब शख्स मसीही नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सड़कों पर सरेआम सलीब की तौहीन करना मसीहियों के जज्बात को मजरूह करना है, जो बाज़ाब्ता तौर पर काबिल दस्तानदाज़ी पुलिस जुर्म है। आइन का आर्टिकल 295A इस ज़मन में वाज़ह रहनुमाई करता है कि किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात को मजरूह करने की सज़ा 11 साल है। उन्होंने मुझे कहा कि अगर अकलियतों को बराबर के हकूक हासिल है, रियासत अगर सबके लिए माँ जैसी है, तो पाक स्लीप की तौहीन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, बसूरत दीगर अकलियतों के साथ सौतेली माँ का सलूक वाज़ह हो जाएगा।